नमस्ते दोस्तों, desicows.in यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह यूट्यूब चैनल अपने देशी गौवंशों को समर्पित है। यहाँ पे हम इस महान देशी गौवंशों के बारे में वीडियो शेयर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने दो मूल मंत्र के बारे में जाना, वो है एक टाइम माँ गाय का दूध निकालना और माँ और बच्चे को एक साथ 12 घंटे रखना। इससे इन्होंने दो गाय और दो बछड़ियों से 20 का झुंड बनाया। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे दिया गया लिंक क्लिक कीजिए और वीडियो देखिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करें। आज के वीडियो में हम ग्राफिकली देखेंगे कि 20 का झुंड कैसे बना। 2012 में इस्कॉन मंदिर बेलगाम में देवनी जाति की ए और बी नाम की दो गायें और सी और डी नाम के दो बछड़िया लाई गई और इन्होंने W1 नामक सांड को बाहर से लाया। ए और बी गाय इससे गाभिन हुई। 2013 में वापस जन गई। ए ने ए नामक बछड़ी को जन्म दिया। बी ने BF नामक बछड़े को जन्म दिया। सी और डी नामक बछड़िया तैयार हो रही थी, तो 2013 में टोटल 6 की संख्या हो गई। अब 2014 में W2 नामक सांड को बाहर से लाया गया, जिससे ए ने AG नामक बछड़े को जन्म दिया। ए बछड़ी अभी बड़ी हो रही थी। बी ने BH नामक बछड़ी को जन्म दिया। BF बछड़ा तो अभी सांड हो रहा था। सी ने CI नामक बछड़े को जन्म दिया। डी ने DJ नामक बछड़ी को जन्म दिया। तो 2014 में टोटल संख्या हो गई 10। बाद में 2015 में W3 नामक सांड को मेटिंग के लिए दूसरे गौशाला से लाया गया। W3 से ए ने AK नामक बछड़ी को जन्म दिया। ए 2 साल में बड़ी हुई और W3 से गाभिन हुई। उसने AEL नामक बछड़े को जन्म दिया। AG बछड़ा अभी बड़ा हो रहा था। बी ने BM नामक बछड़े को जन्म दिया। BF बड़ा होकर सांड हो गया, जो खेती के लिए तैयार था। BH बछड़ी अभी बड़ी हो रही थी। सी ने CN नामक बछड़ी को जन्म दिया। CI सांड बड़ा हो रहा था। डी ने DO नामक बछड़े को जन्म दिया। DJ बछड़ी अभी बड़ी हो रही थी। तो 2015 में कुल संख्या 15 हो गई। 2016 के लिए W4 नामक सांड बाहर से लाया गया। उससे ए ने AP बछड़े को जन्म दिया। जनने के 8 महीने के बाद दुर्भाग्यवश से ए गाय को फिट्स आने लगे, जिसमें उसका दुखद निधन हो गया। ए ने AEQ को जन्म दिया। AG अब एक अच्छा सांड हो गया। AK और AE बछड़िया अभी बड़ी हो रही थी। बी ने BR को जन्म दिया। BR बछड़ी पैदाशी कम वजन की थी, इसीलिए ज्यादा दिन नहीं टिकी और गुजर गई। BF एक अच्छा सांड बन गया। BH ने BHS बछड़ी को जन्म दिया। BM बछड़ा तो अभी बड़ा हो रहा था। सी ने CT नामक बछड़े को जन्म दिया। CI बछड़ा तो अब एक बड़ा सांड हो गया। CN बछड़ी बड़ी हो रही थी। डी ने DU बछड़ी को जन्म दिया। DJ ने DJV बछड़ी को जन्म दिया। DO बछड़ा अभी बड़ा हो रहा था। तो 2016 में कुल संख्या हो गई 22, मगर A नामक गाय और BR नामक बछड़ी गुजर गई, इससे कुल संख्या रह गई 20। तो सारांश में हम देखेंगे कि ये 20 की संख्या कैसे पहुंच गई। 2012 में कुल संख्या थी 4, 2013 में बढ़कर हो गई 6, 2014 में हो गई 10, 2015 में पहुंच गई 15 और 2016 में पहुंच गई 22। और ये 22 में 2 नंबर कम हो गए, जिससे कुल संख्या रह गई 20। इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से हम आपको ये 20 की संख्या कैसे पहुंच गई, यह बताने का प्रयास किया। तो 2016 तक ये 20 की संख्या में 8 बड़ी गाय हो गई, 6 तैयार सांड बने और 6 छोटे बच्चे हैं।
इस पूरे अभ्यास से यह पता लगता है कि दो मूल मंत्र जो है दिन में एक टाइम माँ गाय का दूध निकालना और 12 घंटे माँ गाय और बच्चे को एक साथ रखना ताकि 12 घंटे का दूध बच्चा पी सके और माँ गाय के साथ रहे। इससे यह सामने आता है कि 2 साल में बछड़ी गाय बन जाती है और माँ गाय से 10% ज्यादा दूध देती है और 2 साल में बछड़ा सांड हो जाता है और खेती के लिए तैयार बन जाता है। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और कुछ अच्छे सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।